जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। आप आप सभी सभी का का हमारे हमारे YouTube YouTube चैनल चैनल पे पे बहुत 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 स्वागत स्वागत है। है। आइए आइए जानते जानते हैं हैं आज आज के के दैनिक दैनिक पंचांग पंचांग के के बारे बारे में, में, व्रत व्रत के के बारे बारे में में और और आज आज के के दिन दिन और और रात्रि रात्रि के के शुभ शुभ चौघड़िया चौघड़िया मुहूर्त मुहूर्त के के बारे बारे में। में। आज आज दिनांक दिनांक 28 अगस्त 2022 28 अगस्त 2022 दिन दिन रविवार 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 भगवान भगवान सूर्य सूर्य देव देव का का दिन दिन माना माना गया गया है। है। आज आज जिनका जिनका भी भी जन्मदिन जन्मदिन है है उनको उनको उनके उनके जन्मदिन जन्मदिन की की ढेर ढेर सारी सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जिनका जिनका भी भी विवाह विवाह का का सालगिरह सालगिरह है है उनको उनको भी भी ढेर ढेर सारी सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हमारे हमारे YouTube YouTube चैनल चैनल पे पे आप आप जितने जितने भी भी व्रत व्रत और और कथा कथा को को सुनने सुनने वाले वाले हैं हैं तथा तथा पंचांग पंचांग को को सुनने सुनने वाले वाले हैं, हैं, आप आप सभी सभी भक्तों भक्तों के के ऊपर ऊपर भगवान भगवान सूर्य सूर्य देव देव का का कृपा कृपा सदैव सदैव बना बना रहे। रहे। सभी सभी सदा सदा स्वस्थ स्वस्थ रहें रहें और और सदा सदा खुशहाल खुशहाल रहें। रहें। आज आज भाद्रपद भाद्रपद माह माह शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष की की प्रतिपदा प्रतिपदा तिथि तिथि होगी होगी दोपहर दोपहर 2:46 2:46 मिनट मिनट तक। तक। जो जो भी भी हरितालिका हरितालिका तीज तीज का का व्रत व्रत करने करने वाले वाले हैं हैं वो वो कल कल जाकर जाकर के के यानी यानी कि कि 29 अगस्त 2022 29 अगस्त 2022 को को व्रत व्रत के के नियम नियम का का पालन पालन करेंगे। करेंगे। एक एक दिन दिन पहले पहले से से ही ही तामसिक तामसिक वस्तुओं वस्तुओं का का त्याग त्याग कर कर दे। दे। रात्रि रात्रि में में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का का पालन पालन करते करते हुए हुए भगवान भगवान नाम नाम का का स्मरण स्मरण करते करते हुए हुए सोए सोए और और फिर फिर 30 अगस्त 2022 30 अगस्त 2022 दिन दिन मंगलवार मंगलवार को को हरितालिका हरितालिका तीज तीज का का व्रत व्रत किया किया जाएगा। जाएगा। अगर अगर आप आप सब सब हरितालिका हरितालिका तीज तीज व्रत व्रत के के शुभ शुभ मुहूर्त मुहूर्त पूजन पूजन विधि विधि महत्व महत्व के के बारे बारे में में जानकारियां जानकारियां प्राप्त प्राप्त करना करना चाहते चाहते हो हो तो तो आप आप वीडियो वीडियो के के आइकन आइकन में में जा जा करके करके जानकारियां जानकारियां को को प्राप्त प्राप्त कर कर सकते सकते हैं। हैं। आज आज सूर्योदय सूर्योदय सुबह सुबह 5:37 और और सूर्यास्त सूर्यास्त शाम शाम 6:21 6:21 चंद्रोदय चंद्रोदय यानी यानी कि कि चंद्रमा चंद्रमा उदित उदित होंगे होंगे सुबह सुबह छह 6:15 पे पे और और चंद्रास्त चंद्रास्त यानी यानी कि कि चंद्रमा चंद्रमा अस्त अस्त होंगे होंगे शाम शाम 7:13 7:13 मिनट मिनट पे। पे। सूर्य सूर्य सिंह सिंह राशि राशि में में रहेंगे रहेंगे और और चंद्रमा चंद्रमा भी भी सिंह सिंह राशि राशि में में रहेंगे। रहेंगे। यह यह वर्षा वर्षा ऋतु ऋतु है, है, अयन अयन दक्षिणायन दक्षिणायन रहेगा। रहेगा। योग योग सिद्धि सिद्धि योग योग रात्रि रात्रि 1:45 तक, तक, उसके उसके बाद बाद श्राद्ध श्राद्ध योग, योग, त्रिपुष्कर त्रिपुष्कर योग योग और और सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि सिद्धि योग योग भी भी होगा, होगा, जो जो कि कि रात्रि रात्रि 9:56 9:56 से से अगले अगले दिन दिन सुबह सुबह 5:57 5:57 मिनट मिनट तक। तक। विजय विजय मुहूर्त मुहूर्त जो जो कि कि दोपहर दोपहर 2:31 से2:31 से दोपहर दोपहर 3:22 3:22 मिनट मिनट तक। तक। गोधूली गोधूली मुहूर्त मुहूर्त शाम शाम 6:34 मिनट से शाम शाम 6:58 मिनट मिनट तक। तक। करण करण बवकरण बवकरण दोपहर दोपहर 2:45 मिनट मिनट तक, तक। उसके उसके बाद बाद बालव करण। बालवकरण। नक्षत्र नक्षत्र की की बात बात करें करें तो तो पूर्वा पूर्वा फाल्गुनी फाल्गुनी नक्षत्र नक्षत्र रात्रि रात्रि 9:56 9:56 मिनट मिनट तक, तक। उसके उसके बाद बाद उत्तरा उत्तरा फाल्गुनी फाल्गुनी नक्षत्र। नक्षत्र। दिशाशूल दिशाशूल की की बात बात करें करें तो तो आज आज रविवार रविवार दिन दिन होने होने के के कारण कारण आज आज के के दिन दिन दक्षिण दक्षिण पश्चिम पश्चिम और और नैऋत्य नैऋत्य दिशा दिशा की की यात्रा यात्रा ना ना करें करें चल चल लाभकारी लाभकारी नहीं नहीं होगा। होगा। अगर अगर ज्यादा ज्यादा जरूरी जरूरी हो हो घर घर से से बाहर बाहर निकलना निकलना तो तो आज आज के के दिन दिन घर घर से से दलिया दलिया और और घी घी खाकर खाकर बाहर बाहर निकले। निकले। इससे इससे पहले पहले 5 कदम5 कदम पीछे पीछे चले चले फिर फिर अपने अपने गंतव्य गंतव्य की की ओर ओर आगे आगे बढ़े। बढ़े। आज आज रविवार रविवार का का दिन दिन है है तो तो रविवार रविवार के के दिन दिन भगवान भगवान सूर्य सूर्य देव देव का का पूजन पूजन करें। करें। भगवान भगवान सूर्य सूर्य देव देव को को अर्घ्य अर्घ्य प्रदान प्रदान करें करें तो तो लाभकारी लाभकारी होगा। होगा। भगवान भगवान सूर्य सूर्य देव देव को को प्रसन्न प्रसन्न करने करने के के लिए लिए रविवार रविवार के के दिन दिन चाहिए चाहिए कि कि जल जल में में लाल लाल चंदन चंदन और और लाल लाल पुष्प पुष्प डाल डाल करके करके भगवान भगवान सूर्य सूर्य देव देव को को अर्घ्य अर्घ्य प्रदान प्रदान करें। करें। इससे इससे लाभ लाभ की की प्राप्ति प्राप्ति होती होती है। है। भगवान भगवान सूर्य सूर्य देव देव पृथ्वी पृथ्वी पे पे साक्षात साक्षात देवता देवता रूप रूप में में माने माने जाते जाते हैं। हैं। इनसे इनसे सभी सभी जीव जीव जंतु जंतु वनस्पति वनस्पति आदि आदि भगवान भगवान सूर्य सूर्य देव देव से से ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त प्राप्त करते करते हैं हैं और और भगवान भगवान सूर्य सूर्य देव देव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप रूप में में देवता देवता माने माने जाते जाते हैं। हैं। जो भी जो भी रविवार रविवार का का व्रत व्रत करते करते हैं हैं उन्हें उन्हें रविवार रविवार के के व्रत व्रत में में नमक नमक युक्त युक्त भोजन भोजन बिल्कुल बिल्कुल भी भी ग्रहण ग्रहण नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। रविवार रविवार के के व्रत व्रत में में सूर्यास्त सूर्यास्त होने होने से से पहले पहले ही ही एक एक समय समय मीठा मीठा भोजन भोजन ग्रहण ग्रहण करें। करें। अब अब आइए आइए जानते जानते हैं हैं आज आज के के राहु राहु काल काल समय समय के के बारे बारे में। में। राहु राहु काल काल समय समय की की बात बात करें करें तो तो राहु राहु काल काल समय समय के के दौरान दौरान कोई कोई भी भी शुभ शुभ कार्य कार्य या या नया नया कार्य कार्य नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए, यह यह लाभकारी लाभकारी नहीं नहीं होता होता है। है। तो तो राहु राहु काल काल का का समय समय होगा होगा शाम शाम 4:45 मिनट से शाम 6:21 मिनट तक। गुली कालम समय होगा दोपहर दोपहर 3:10 मिनट से शाम शाम 4:44 मिनट4:44 तक। मिनट तक। अभिजीत अभिजीत मुहूर्त मुहूर्त सुबह सुबह 11:34 मिनट से दोपहर 12:24 मिनट तक। अब अब आइए आइए जानते जानते हैं हैं आज आज के के दिन दिन और और रात्रि रात्रि के के शुभ शुभ चौघड़िया चौघड़िया मुहूर्त मुहूर्त के के बारे बारे में। में। चौघड़िया चौघड़िया 7 प्रकार7 प्रकार की की होती होती है, है, जिसमें जिसमें से से कि कि 4 शुभ4 शुभ चौघड़िया चौघड़िया मुहूर्त मुहूर्त और और 3 3 अशुभ अशुभ चौघड़िया चौघड़िया मुहूर्त। मुहूर्त। तो हम तो हम जानेंगे जानेंगे केवल केवल आज आज के के दिन दिन और और
23 मिनट तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:23 मिनट से सुबह 11:59 मिनट तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:34 मिनट से दोपहर 3:10 मिनट तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 6:22 मिनट से शाम 7:45 मिनट तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:45 मिनट से रात्रि 9:10 मिनट तक। उसके बाद फिर चरण नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 9:10 मिनट से रात्रि 10:34 मिनट तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:23 मिनट से रात्रि 2:48 मिनट तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 4:12 मिनट से सुबह के 5:37 मिनट तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभकृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।